इस वेले दी अहम खबर, अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जेल भेजा गया है। मोहाली अदालत तो पुलिस उन्हां नूं लैके गई है। हाले साफ नहीं है कि किस जेल दे विच उन्हां नूं रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि न्यायिक हिरासत दे ऑर्डर होए सन ते जो बिल एप्लीकेशन लगाई गई है उहदे उत्ते सुनवाई अज नहीं हो सकेगी, कल होएगी, जिस दे चलदे मजीठिया नूं पुलिस मोहाली कोर्ट तो लैके निकली है। बड़े ही गुप्त तरीके दे नाल मजीठिया नूं इत्थों बाहर कढ़िया गया है ते पुलिस मजीठिया नूं जेल लिजाण दे वास्ते इत्थों निकल चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट के वलों ड्रग केस के बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी के उपर रोक लगाई गई सी, कल खत्म हो गई, जिसके बाद अज सरेंडर करन दे हुकम सन, उहदे बाद ही रेगुलर बेल के वास्ते अपलाई कर सकते सी। तो उस दे तहत अज बिक्रम सिंह मजीठिया सवेरे 10:30-11 बजे के करीब मोहाली अदालत पहुँचते हैं, सरेंडर करते हैं। उसके बाद दोहां पक्षां दे विचाले बहस हुंदी है, सुनवाई हुंदी है ते स्टेट क्राइम ब्रांच नूं परमिशन दित्ती जांदी है उत्थे ही पुछगिछ करन लई। तकरीब 2 घंटे तक मजीठिया दे कोलों पुछगिछ हुंदी है। इहदे बाद अदालत हुक्म दिंदी है कि इन्हां नूं 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत दे विच भेजिया जावे, जिहदे चलदे जो मजीठिया के वकील ने उन्होंने वालों रेगुलर बेल के वास्ते अप्लाई किया गया, लेकिन वो उपर जो सुनवाई है अज नहीं हुई, वो सुनवाई कल होएगी, जिसके चलते बिक्रम सिंह मजीठिया अज जेल दे विच लजाया जाएगा। जमानत मंजूर होंदी है कि नहीं ये अदालत कल दसेगी, लेकिन फिलहाल बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली लीडर जिन्होंने मोहाली कोर्ट तो पुलिस लैके निकली है, दसिया जा रहा है कि बड़े गुपचुप तरीके मजीठिया लजाया गया। पहला मीडियाकर्मियों को बाहर कढ़िया गया, उसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया बैक साइड तो जो बेसमेंट है उसके जरिए पुलिस की टीम लैके निकली है। पहला उन्होंने मेडिकल करवाया जाएगा तो उसके बाद उन्होंने जेल लजाया जाएगा। किहड़ी जेल दे रखा जाएगा, कित्थे रखणगे, हाले तक क्लीयर नहीं है। ड्रग केस का यह मामला जिहदे विच मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई सी, उसके बाद जमानत लई उन्होंने, हाईकोर्ट तो जमानत मिली वह रद्द हुई, पहला जमानत मिली फिर उसनों रद्द किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देंदे हुए कल तक के वास्ते गिरफ्तारी के उपर रोक लगाई हुई सी, चीज़ों एक्सटेंड किया होया सी। चोणा दे दौरान मजीठिया कह रहे सन कि विरोधी चाहते हैं कि इलैक्शन ना लड़ सकने, इसलिए अजे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अज जदों मजीठिया पहुंचे ने सरेंडर किया है तो उसके बाद जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई गई तो उसके उपर सुनवाई अज नहीं हुई, ये सुनवाई हुण कल होएगी। जिस तो पहला तमाम अकाली लीडर दलजीत सिंह चीमा, NK शर्मा इतने पहुंचे हुए सन, कह रहे हैं कि सियासी बदलाखोरी है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, सिर्फ तो सिर्फ सियासत चमकाउण दे वास्ते अजिहियां कोशिशां कीतियां जा रही ने, अजिहे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तुहानूं दस दिए कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जेल भेजिया गया है, तो पुलिस उन्होंने लैके जा रही है, पहला मेडिकल होएगा, उसके बाद जेल दे विच उन्हां नूं लिजाया जाएगा। सुनवाई जो जमानत अर्जी है रेगुलर बेल के उपर कल होएगी, जिस तो पहला बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जेल दे विच ही रहना पएगा। कल जमानत मंजूर होंदी है नहीं होंदी ये अदालत दे डिसीजन दे बाद पता लगेगा, जो सुनवाई होएगी तो उसके बाद अदालत अपना कोई फैसला देगी। लेकिन फिलहाल स्टेट क्राइम ब्रांच की पूछगिछ तो बाद, मामले से सुनवाई तो बाद जो है बिक्रम सिंह मजीठिया पुलिस दियां टीमां मोहाली कोर्ट तो लैके निकल गई ने जेल, उन्होंने लिजाया जा रहा है। पहला उन्होंने मेडिकल जाँच होएगी किसी हस्पताल दे विच, उसके बाद फिर उन्होंने जेल भेजा जेल लिजाया जाएगा। किहड़ी जेल विच रखे जाणगे हाले तक क्लीयर नहीं है, किसी अधिकारी दे वल्लों कोई पुष्टि नहीं की गई, कोई मीडिया दे रूबरू कोई अधिकारी इस मामले दे विच नहीं होया, तो बड़े गुपचुप तरीके दे नाल बिक्रम सिंह मजीठिया इतों लिजाया गया। उधर इसे दरम्यान जो कैबिनेट मंत्री ने डिप्टी CM ने सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने ट्वीट आया तो उन्होंने एक अलग तरीके का कमेंट किया है तो कहा है कि रब दे घर दे विच देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये जो पंजाबी दे विच कहावत कही जाती है उसका जिक्र करते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा जो डिप्टी CM ने उन्होंने यह ट्वीट करके इस मामले के उपर कमेंट किया कि रब दे घर देर है हनेर नहीं है। बिक्रम सिंह मजीठिया दी यह जो उन्होंने जेल भेजा जा रहा है इसनों लैके उन्होंने वालों ये बयान सामने आया। फिलहाल पुलिस दी टीमां बिक्रम सिंह मजीठिया मोहाली अदालत तो लैके निकल गई ने, किहड़ी जेल दे विच लिजाया जाएगा ये हाले क्लीयर नहीं है, पहला मेडिकल जाँच होगी तो उसके बाद उन्होंने जेल दे विच लिजाया जाएगा। इस अहम खबर के उपर निगाह बनी हुई है, बने रहो दैनिक सवेरा TV के नाल।